हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर N250। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक पे मिलने वाली जो कॉन्सोल है दोस्तों, मीटर कॉन्सोल, उसके बारे में आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, देन ABS मोड, देन यहाँ पर ब्लूटूथ, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS सेलेक्ट, काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलते हैं, जिसको मैं एक एक करके आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी अगर आप लोग कोलकाता या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, स्पेशली N250, तो बिल्कुल OSL बजाज ठाकुरपुर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सोल में आप लोग को मिल क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं, देन इसकी जो ब्लूटूथ फंक्शन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार दोस्तों इसको जो मतलब कंसोल है ऑफ करके एक बार ऑन करते हैं, पूरा देखिए आप यहाँ पर ये जो है स्वाइप भरती है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो टैकोमीटर है वो मिलेगा, टाइम दिखा रही है आप लोगों को, जो फ्यूल गेज सेंसर है वो मिल रहा है, गियर प्रेशर सेंसर, स्पीडोमीटर मिल रहा है, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर ऑडोमीटर बता रही है, तीन मोड आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड, देन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी आप लोग को यहाँ पर बता रही है। इसको टॉगल करने के लिए एक ही बटन आप लोग को मिलेगा, वो है यहाँ पर M की बटन। अगर आप लोग इसको दोस्तों फटफट से दो बार अगर आप इसको स्वीप मतलब प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये ऑफ रोड पे थी, ये रोड पे आ गए। देन अगेन अगर इसको आप दो बार ऐसे प्रेस करते हैं दोस्तों, तो ये रोड से देखिए यहाँ पर ये रेन में आ जाएगी, और अगर आप फिर से इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये रेन से ऑफ रोड पे आ जाएगी। अब जब आप ऑफ रोड पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहीं पर आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है इसको आप ऑफ कर सकते हैं, रेन या फिर रोड मोड में आप इसको ऑफ नहीं कर सकते। उसके लिए अगर आप देख रहे हैं एंटर सेटिंग्स पर अगर आप जा रहे हैं, तो ये देखिए मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको भी आप देखिए कीप प्रेस बता रही है, एंड देन ये रिलीज़ करने को बोल रही है। तो देखिए मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो ये अभी ऑफ भी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल सेट आ रही है और यहाँ पर ये ऑफ है। बाकी यहाँ पर आप लोग इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ओडोमीटर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी जो है वो आपको बता रही है। 3079 दोस्तों इस गाड़ी की जो चासी नंबर है उसकी लास्ट 4 डिजिट आप लोगों को यहाँ पर बता रही है, ठीक है। देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है ट्रिप पे में वो आप लोगों को यहाँ पर कितने किलोमीटर चली है ट्रिप, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप पे, वो सारी जो चीज़ें वो आप लोगों को यहाँ पर बता देगी। ट्रिप बी में कितनी चली है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, वो आप लोगों को यहाँ पर बता रही है। और साथ ही अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों एंटर सेटिंग बता रही है, अगर अगेन आप लोग इसको अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो ये देखिए ब्लूटूथ ऑन हो चुकी है अभी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो डिस्टेंस टू सर्विस 432 किलोमीटर वो बता रही है। अगर आप क्लॉक को सेट करना चाहते हैं, अगेन अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एग्जिट मिला, अगेन अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए एग्जिट हो गई है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो कि अभी ऑफ है तो यहाँ पर ये बता रही है। देन ABS की सेंसर, इंजन मैलफंक्शन लाइट वगैरह ये चीज़ें भी आपको बता रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर बजाज की राइड करंट ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल के साथ इसको अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी एक बजाज का ऑफिशियल है वो आप लोगों को अभी ये बताएंगे। दोस्तों अब कैसे इसको कनेक्ट करना है वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे शोरूम में ललित भाई है, भाई आप कैसे कनेक्ट करना है वो थोड़ा सा पहले बता दीजिएगा, क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये एक्चुअली बजाज का आपका पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपका अपलोड करके रखा हो, आपको दिखा दे रहा बजाज राइड कनेक्टेड, ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है। ये आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ये ओपन कीजिएगा। सर इसको नीचे पकड़िएगा तो ये क्लियर क्लियर आ रहा है यहाँ पर, ऐसे पकड़िएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपका, एक साइन अप है, एक लॉगिन है। ये मैं ऑलरेडी आपका रजिस्टर करके रखा हो, ठीक है। आप अगर नया कोई रजिस्टर करने वाला है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसमें आपका क्या है, हम लोग का एक चैसिस नंबर रहता है, उसमें आपका QR रहता है, वो आपको ये QR से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी आ गया ऑटोमेटिक चैसिस नंबर। यहाँ पर आपको नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर देके एग्री करके साइन अप करना पड़ेगा। पर ये आपका ऑलरेडी साइन अप है, उसी लिए आपको ये इसमें अभी लॉगिंग करना पड़ेगा। जो नंबर से ये रजिस्टर है वो नंबर हम डायल कर रहे हैं, ये नंबर देके इसमें गेट OTP करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड आपका यहाँ पर एंटर OTP है, अभी इसको इसमें OTP इनपुट करना पड़ेगा, 4 डिजिट में जो नंबर है उसमें आपका OTP गया है। अभी लॉगिन,
ठीक है। चलिए ये ऑलरेडी कनेक्ट हुए इसीलिए आपका अलाउ आ गया। अभी इसमें आपका ब्लूटूथ ऑप्शन है, इसको पहले ऑन कीजिए। अलाउ, कनेक्ट हो चुका है। अभी आप बाइक का की ऑन कीजिए, उसके बाद आपको इंजन की ऑन करना पड़ेगा। ब्लूटूथ देखिए ऑफ है। इसमें आपका हम लोग का जो बजाज का नया आपका आया है जिसमें एम बोल के एक स्विच है, इसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ब्लूटूथ देखिए ऑन हो गया। अभी इसमें चैसिस का लास्ट 4 डिजिट दिखाएगा जिसमें ये आपका कोड है। देखिए हम स्कैन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आ गया 3079। ठीक है, अभी इसमें आप पुट कीजिए पेयर एंड कनेक्ट, डन। अब इसमें क्या है आपका पूरा फीचर्स जो है आप इसमें देख पाएंगे। आपको अगर यहाँ पर देखिए बैटरी का आपका टावर, साथ में आपका इसमें अगर कोई कॉल आएगा वो भी आप देख सकते हैं। हम इसमें डायल करके आपको दिखा रहे हैं एक बार। देखिए रिसीव हो गया, मतलब डबल क्लिक करना है राइट, सिंगल क्लिक करने पर रिसीव हो जाएगा, और अगर लॉन्ग प्रेस करने से ये कट हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस करने से कट हो जाएगा, सिंगल प्रेस करने से रिसीव हो जाएगा एकदम। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका वो जो कॉल है यहाँ पर देखिए, ये ऑलरेडी कितना सेकंड्स कॉल रन हो रहा है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बता रहा है। एक मिस कॉल है फोन में वो भी बता रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले ये कॉल कट कर दिया गया था यहाँ से, तो एक जो मिस कॉल है वो भी यहाँ पर बता रहा है। ब्लूटूथ ऑन है। अभी वो जो टर्न बटन नेविगेशन है वो भी थोड़ा बता दीजिए, टर्न बटन नेविगेशन कैसे करना है। कॉल को एक बार यहाँ से कट कीजिए, देखिए दोस्तों कॉल कट कर दिया है। नेविगेशन आपका इसमें ऑप्शन है, होम के बाद नेविगेशन में हेलो अभी तक देख सकते हैं वहां पर नहीं आया है। ये मेरा लोकेशन है, डेस्टिनेशन हम कहाँ पर जाएंगे, खिदिरपुर कर देते, नियरेस्ट है खिदिरपुर। खिदिरपुर सब पोस्ट ऑफिस कर देते, बाहुबाजार ही कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट ये देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और ये देखिए ये जो लोकेशन वगैरह है आपको इस तरीके से बताती रहेगी। अभी यू टर्न लेने के लिए बोल रही है, ठीक है, 210 मीटर पे जाके यू टर्न लेने को कह रही है। तो ये दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये चीज़ें और देखने को मिलेगा। और कुछ अगर आप बताना चाहें भाई इसमें, और कुछ अगर आप बताना चाहेंगे, ये देखिए कितना मीटर पे एस्टिमेटेड टाइम फॉर डेस्टिनेशन कितना है, ठीक है, यू टर्न कितना है, कितने मीटर पे यू टर्न करना है, वो जो सारी चीज़ें वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें, इसके अलावा भाई और कुछ जो चीज़ आप यहाँ पर बताना चाहेंगे इसके अलावा देखिए 250 तो आपका ऑलरेडी हम लोग का गाड़ी था ही इसमें, तो अभी रिलॉन्च किए इसमें कुछ चेंजेस करके, वो तो डिस्प्ले में आपको बता दिया सारा कुछ। बाकी आपका टर्न बटन नेविगेशन कॉल एस एम एस जो मेन था वो आपने यहाँ पर बता दिया, वो मेन ही है। बाकी आपका टोटल पुराना जो फीचर्स था 250 में बताना नहीं भूलेगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू अबाउट ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर N250। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।